वेलकम टू ऑनलाइन क्लास रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर। मेरे बच्चों हम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड है उसका नाम है बेंजीलडिहाइड। इसके पहले हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में देखे थे फॉर्मल्डिहाइड और एस्टरल्डिहाइड। आज चर्चा करते हैं बेंजीलडिहाइड का। तो यहाँ पर जो बेंजीलडिहाइड होता है उसका फार्मूला होता है C6H5CHO होता है। इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप और CHO है और एक ऐसा है पीएरएल ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसमें एल्किल ग्रुप की कार्बन से अटैच था, और यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है एरिल ग्रुप के कार्बन से अटैच है। दोनों में डिफर होता है, वहाँ पर एल्किल ग्रुप का कार्बन था, यहाँ पर एरिल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है ना। बात की जाए इसका सोर्सेज क्या है, इसके सोर्स स्रोत क्या है, या इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जो बेंजीलडिहाइड होता है या एमिग्लाडीन ग्लूकोसाइड में पाया जाता है जो कड़वे बादाम में उपस्थित होता है, इसलिए इसे बेंजीलडिहाइड को कड़वे बादाम के तेल या आयला बिटर आलमंड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे इमल्सन इंजाइम द्वारा जो एमिग्लाडीन ग्लूकोसाइड होता है इसे इमल्सन एंजाइम द्वारा क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या प्राप्त होता है, बेंजीलडिहाइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ एमिग्लाडीन है, ग्लूकोसाइड्स है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा इंटरचेंज में जाएगा C6H5CHO में मीन्स बेंजीलडिहाइड में, और टू मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यहाँ से HCl क्या होता है रिमूव होता है। ये तो इसका रहा अकरेंस, कैसे इसकी प्राप्ति होती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जो बेंजीलडिहाइड है इसको प्रयोगशाला में कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगशाला में बनाने का जो मेथड मेन है वो टू है। एक होता है कि जब बेंजील क्लोराइड को, एक बेंजील क्लोराइड है, जब इसको क्यूप्रस नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस करते हैं प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से C6H5CHO मीन्स बेंजीलडिहाइड बनता है और क्यूप्रस क्लोराइड और HNO2 बाहर निकल जाता है। ये तो पहला मेथड है। बात करते हैं सेकंड मेथड का, इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट। ये क्या है, कैल्शियम बेंजोएट है। तो कह सकते हैं जब कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फार्मेट के साथ पासिंग करते हैं, डिस्टाइलेशन करते हैं, तो क्या बनता है, बेंजीलडिहाइड बनता है। यहाँ पर टू लगा है, यहाँ टू हो जाएगा C6H5 और टू मोल्स है एरिल ग्रुप्स, और क्या है CHO मीन्स दो मॉलिक्यूल्स, किसका बनेगा बेंजीलडिहाइड का बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो अच्छे होगा वो फाइनली बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम इसको लैब में प्रिपेयर करते हैं बेंजीलडिहाइड को, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक हमारा नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है रोजनमुंड अपचयन। एक हमारा नेमिंग रिएक्शन है रोजनमुंड अपचयन। देखिए बेटा अगर रिएक्शन पुट अप होगा तो चाहे यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स हो, सॉरी एसिल हैलाइड्स हो या एरिल हैलाइड्स हो, यहाँ पर क्या चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा C3COCl या हो जाएगा C6H5COCl, यहाँ होगा एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, तब भी इसका रिडक्शन होगा बेरियम सल्फेट और रेडियम पर आधारित, तो इंटरचेंज होता है एल्डिहाइड में। हमेशा ये कंडीशन यही होता है कि जब बेंजोइल क्लोराइड को या एस्टिल क्लोराइड को बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में प्लेटिनम पर इसका अपचयन करवाते हैं तो एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। इस अक्रिया को रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। इसके पहले हम पढ़ाए थे जो रोजनमुंड अपचयन होता है कि जब
स्टेरॉयड को पढ़ाया जाएगा, जो स्टेरॉयड को बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में पैलेडियम पर अब चेक करते हैं तो एस्टेरॉयड में इंटरचेंज होगा। इसकी प्रॉपर्टी होगी किसकी, स्टेरॉयड की, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे कहते हैं रोजर मुंड अपचय। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन होगा वो होगा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के पैटर्न भी कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं बेंजल्डिहाइड को, तो बेटा इसमें जितने भी नेम रिएक्शन हैं वो चाहे इंटरक्नोजन के रूप में चाहे हार्ट हैपेंस के रूप में किसी भी आईनी से क्वेश्चन पुटअप होता है, दो या तीन नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बेंजल्डिहाइड से। इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और एक एक रिएक्शन को पूरी तरह से इसका व्याख्या करेंगे। तो नेक्स्ट डे पर बात होगी इटार्ड रिएक्शन। बस आज इतना ही। थैंक यू।